कोरोना वायरस के सामने आ रहे मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। पुलिस ने कोरोना संदिग्ध की जानकारी छिपाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। टांडा मेडिकल कॉलेज में दाखिल कोरोना वायरस संदिग्ध की जानकारी छिपाने के चलते पुलिस ने कार्रवाई तिब्बतीन चैरिटी संस्था के निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोरोना वायरस के सामने आ रहे मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। पुलिस ने कोरोना संदिग्ध की जानकारी छिपाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। टांडा मेडिकल कॉलेज में दाखिल कोरोना वायरस संदिग्ध की जानकारी छिपाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तिब्बतीयन चैरिटी संस्था के निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार विदेश से आया एक व्यक्ति तिब्बतीयन चैरिटी संस्था में ठहरा था, जिसकी जानकारी संस्था द्वारा जिला व पुलिस प्रशासन को नहीं दी गई थी। संदिग्ध के टांडा मेडिकल कॉलेज में सैंपल लेकर जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आना शेष है। दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना के खतरे को मानते हुए जानकारी देने में आनाकानी करने वालों पर अब सख्त रुख अख्तियार किया जा रहा है। इसी कड़ी में विदेशी नागरिक जो कि कोरोना संदिग्ध है, इसकी जानकारी न देने पर उसे ठहराने वाले संस्था के निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोरोना वायरस के टीएमसी में दाखिल विदेशी नागरिकों को ठहराने वाले तिब्बतीयन चैरिटी संस्था के निदेशक के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया गया है। संस्था ने कोरोना संदिग्ध को ठहराया था और इस संबंध में जिला प्रशासन को सूचित भी नहीं किया था। बेसिकली फॉरनर्स एक्ट में जो भी विदेशी एफआरओ कांगड़ा के जुरिस्डिक्शन में आता है, उसके लिए मैंडेटरी है कि विद इन 24 आवर्स एफआरओ फॉरनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस को सूचित करना बाय वे ऑफ सी फॉर्म। तो इस व्यक्ति जो एक अमेरिकन है, इसकी सूचना हमें टांडा मेडिकल कॉलेज से मिली थी कि इसको एज अ सस्पेक्ट कोरोना का भर्ती किया है। जब हमने इसका बैक ट्रैकिंग की और पता किया कि ये कहाँ ठहरा था और अपने रिकॉर्ड से इसको वेरीफाई किया, तो हमारे रिकॉर्ड में सी फॉर्म अपलोड नहीं हुआ था। तो उस वायलेशन को ध्यान में रखते हुए हमने फॉरनर्स एक्ट के तहत जो भी व्यक्ति जिनका वो रेज प्लेस ऑफ स्टे है, जो तिब्बतीयन चैरिटी इंस्टीट्यूट है, उनके खिलाफ हमने सेक्शन 14 फॉरनर्स एक्ट में केस रजिस्टर किया। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।